Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. ये 24 तारीख को शाम को 9:30 बजे ये घटना है। मेरी मिसेज और मेरा बच्चा यहीं पे जा रहा था आगे, और साथ साथ चल रहे थे कि साइड से कुत्ता आया और आते ही उसके ऊपर झपट्टा, जैसे झपट्टा लगा वो गिर गई। गिरने के बाद उसने नाक से यहाँ से पकड़ा, वो चारों तरफ घुमा दिया। फिर भाई साहब खड़े थे पास में, उन्होंने आगे उसको सुनाया और हॉस्पिटल में जाके एडमिट कराया। घटना के बाद आपने किसी से संपर्क किया यहाँ के बीएमसी में या कॉर्पोरेटर को, यहाँ पे किसी को अलग से हुआ किसी को? बीएमसी को इन्फॉर्मेशन तो दी थी मैं, तो एक्चुअली में क्या जयपुर से आया था, 25 को आया था मैं, अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है उस कुत्ते के खिलाफ। और बच्चे को कितने टाके आए? टाके नहीं है, प्लास्टिक सर्जरी की है जिससे ताकि चमड़ी को चेक कर सकते। डॉक्टर ने कितने दिन बोला कि आराम हो जाएगा? 15-20 दिन। सर आपका नाम बताएंगे? सर ये बच्ची को जो कुत्ते ने काटा है उसके बारे में डिटेल बताएंगे? अच्छा, 9:30 की बात है, तब हम लोग अपने वहाँ पे खड़े थे सामने साइड पे, तब वहाँ से पब्लिक दौड़ दौड़ के आ रही, देखा था कि कुत्ते ने बच्चे का मुंह पकड़ लिया था, और मैंने सीधा तुरंत होप फाउंडेशन में फ़ोन किया था, और वहाँ से इसके लिए जानकारी के लिए बीएमसी का नंबर वगैरह लिया था, लेकिन बीएमसी से भी कुछ सहायता नहीं मिली। मैंने अगले दिन सुबह पान पट्टे करके जो बीएमसी का ऑफिसर है उसको फ़ोन किया था, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई आज क्रिसमस है, हमारी छुट्टी है, आप हमें कल कॉल करो। जैसा बोलते उन्होंने अपना फ़ोन रख दिया। अगले दिन फिर उनको फ़ोन किया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर आधे घंटे के बाद में वापिस एक कॉल आया और उसने कहा कि आप एक नंबर देता हूँ, उनसे बात कीजिए। और डॉक्टर विक्रम का इस एरिया का नाम बताएंगे आप? प्लेजेंट पार्क। यहाँ पे रोज ऐसी घटनाएं होती हैं? आए दिन कुछ ना कुछ यहाँ तो होते ही रहता है, गाड़ियों के पीछे बहुत है। इसके लिए आप लोग ने कभी कंप्लेन किसी के पास? कंप्लेन की है लेकिन कोई फर्क नहीं। वो फाउंडेशन के उनसे संपर्क करेंगे, उनसे जानेंगे इस घटना के बारे में। भाई मिश्रा जी, इस घटना के बारे में आपका कहना चाहेंगे? मुझे 24 तारीख की रात में हर्षल का फोन आया था कि दमन स्वीट्स के बच्चे को, सामने बच्चा को छोटा खेल रहा था, उसको कुछ कुत्तों ने काट लिया है और उसको काफ़ी घायल किया हुआ था, उसका मुंह पूरा फाड़ दिया था, उसकी आँख को भी खतरा था, आँख बच गई उसकी। तो मैंने इनको डॉक्टर हमारे महानगर पालिका के अधिकारी पानपट्टे का नंबर दिया था कि आप उनसे बात करो, लेकिन अभी रात के टाइम पे मत बात करना, दूसरे दिन बात करके लो। दूसरे दिन इन्होंने 25 तारीख को फोन किया तो पानपट्टे ने बोला कि अभी तो आज तो छुट्टी का दिन है, आज के दिन हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अब कल एक बार फोन करो, हम देखते हैं। ये महानगर पालिका के अधिकारियों का हमेशा का रटा रटा जवाब है, किसी भी काम के लिए फोन करेगा तो आज नहीं कल करो, हम इनको भेजते हैं उनको भेजते हैं। 3 दिन का दिन हो गया, अभी आपने बच्ची का फोटो भी देखा, बच्चे की सिचुएशन कितनी क्रिटिकल है, उसकी आंख बची है, छोटी सी 3 साल की बच्ची, उसको कुत्ते ने इस तरह से काटा है, और महानगर पालिका के अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी भी यहाँ के जो रहवासी हैं इनका वही कहना है कि सर हमारे एरिया में इतने आवारा कुत्ते हो गए हैं, कितने तो बाइक वाले रात के टाइम पे एक्सीडेंट होकर गिर गए हैं, बाइक वालों के सामने अचानक कुत्ते आ जाते हैं, उनका एक्सीडेंट हो जाता है। चार नगर से होने के बावजूद भी इस एरिया में ऐसा कोई कार्रवाई तो अभी तक नहीं हुई है। इसके पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई है? काफी सारी, जहां तक मुझे पता चला है एक बार कोई बाइक वाला बाइक लेके गिर गया था, अचानक से कुत्ता आ गया था। कुत्ते लोग ऐसा किसी भी आदमी के पीछे भागते हैं, उसको काट लेते हैं, और स्टरलाइजेशन वगैरह का तो कोई मतलब ही नहीं हो रहा है। आपको नए नए पिल्ले काफी सारे दिखेंगे, इसका मतलब महानगर पालिका का जो स्टरलाइजेशन विभाग है वो काम नहीं कर रहा है। तो आपने किसी को कॉन्टेक्ट किया? आपने पर्सनली किसी को? मैंने पानपट्टे साहब को फोन किया था, वो पानपट्टे साहब तो एक्चुअली छुट्टी पे हैं, तो मैंने उनके पीए से बात किया था, पीए ने बोला कि आप आज महानगर पालिका में एक कंप्लेन दे दीजिए, हम देखते क्या कर सकते हैं। फिलहाल अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, और आने वाले टाइम में बाकी लोगों के लिए भी खतरा है। सर आपने कंप्लेन दिया था वहाँ पे? मैंने फोन पे कंप्लेन किया है। तो क्या बोले लोग? मैंने कंप्लेन कर चुका हूँ, उनका कहना है था कि हम आपको एक शिकायत दे दीजिए, हम देखते हैं वहाँ पे क्या कर सकते हैं। यहाँ के नगर सेवकों से आपसे कभी बातचीत हुई? अभी बात हुई मेरी कमलेश गोयल से बात हुई, यहाँ के नगर सेवक कमलेश गोयल उनसे बात हुई, तो उन्होंने भी वही बोला कि महानगर पालिका के अधिकारी ढंग से काम नहीं करते हैं, आप उनके ऊपर शिकायत करो, उनके ऊपर एक्शन लो, वो लोग नगर सेवकों की भी नहीं सुनते हैं। ये कितने महीनों से हो रहा है सर? 5-6 महीने से तो चल रहा है, उसके पहले भी होता रहेगा लेकिन किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया था। 5-6 महीने से ज्यादा तकलीफ है, यहाँ के रहवासियों को ज्यादा तकलीफ हो रही है। अभी सबसे बड़ी तकलीफ कोई बच्चे की, अगर बच्चे को कुछ हो जाता तो। धन्यवाद।